बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, साथ ही वायु की गुणवत्ता का हाल भी जानेंगे। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो मौसम से जुड़ी हुई पांच बड़ी खबरें इस वक्त आपको बता दें, और ऐसे में सबसे पहले रुक करेंगे बिहार का। कुछ इलाकों में बेहद घना कोहरा छाने का अनुमान बिहार में जताया जा रहा है। वहीं अगर बात करें दिल्ली की, तो यहां पर भी बेहद घना कोहरा कहीं कहीं छा सकता है। तो दिल्ली में भी घने कोहरे के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करें तो गरज के साथ भारी बारिश की संभावना कहीं कहीं बनती हुई दिख रही है। इसके साथ ही आइए अब रुक करते हैं केरल का, और यहां पर भी कहीं कहीं पर भारी बरसात होने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही अगर बात करें लक्षद्वीप की, तो कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना लक्षद्वीप में बनती हुई नजर आ रही है। ये तो बात हुई मौसम से जुड़ी हुई पांच बड़ी खबरों की। अब जान लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है, और मौसम अलर्ट के बारे में हमें बता रही हैं एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। बिहार में कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छाने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बेहद घना कोहरा रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम मेघालय में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। तमिलनाडु पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि इस अहम जानकारी के लिए। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है या फिर जहां पर मौसम साफ रहेगा, और ऐसे में हम सबसे पहले रुख करेंगे उत्तर भारत का। तो खासतौर पर उत्तर भारत में आपको बता दें जो पहाड़ी इलाके हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ मौसम साफ रहेगा। साथ ही मैदानी हिस्से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां पर भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं और यहां पर भी मौसम साफ रहेगा आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो जैसे कि उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में लगातार मौसम जो है वो साफ बना हुआ है, ऐसे ही आसार आने वाले समय के लिए भी दिख रहे हैं। वहीं पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी स्थितियाँ वैसी ही नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में मौसम साफ रहेगा। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो लक्षद्वीप में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है, केरल में भी अनेक जगह पर बादल बरस सकते हैं। तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु पुडुचेरी और रायलसीमा में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात के आसार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं जो पश्चिम भारत है या मध्य भारत है, यहां पर भी बारिश के लिहाज से बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में बिल्कुल बारिश के आसार नहीं है, तो मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी बरसात की संभावना नहीं है और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में भी बारिश के आसार नहीं है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बारिश दर्ज की गई, तो वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। साथ ही पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, यहां पर भी घना कोहरा छाया रहा। तो जो उत्तर भारत के मैदानी हिस्से खासतौर पर हम देख रहे हैं, यहां पर घने
कोहरे की चादर जो है वो अब छाने लगी है। बारिश की बात करते हैं दक्षिण भारत में, खासतौर पर तेलंगाना तटीय आंध्र प्रदेश रायलसीमा तमिलनाडु पुडुचेरी में बादल बरसे हैं। इसके साथ ही कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में और केरल में भी बारिश दर्ज हुई है। लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है। इसके साथ ही आइए अब जान लेते हैं कि पश्चिम भारत में कैसा रहा। तो खासतौर पर कोंकण गोवा में कई जगहों पर बारिश हुई है और मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं, खासतौर पर पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। तीन महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी, क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। बता दें आपको कि देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर तापमान में इस वक्त उतार चढ़ाव दिख रहा है और इन क्षेत्रों पर नजर डालेंगे। अधिकतम तापमान की आइए पहले बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई और उत्तर भारत के इन पहाड़ी इलाकों में जो अधिकतम तापमान दिन का तापमान है उसमें बढ़ोतरी दिख रही है। पंजाब की बात करें तो यहां पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि विपरीत स्थिति है, यहां पर दिन के तापमान में गिरावट आई है। बिहार की बात कर लेते हैं, सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करेंगे तेलंगाना का, जहां पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान देखा गया, यानी कि यहां पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी महसूस की गई। तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करते हैं, यहां पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान रहा, यानी कि दिन के तापमान में गिरावट रही। साथ ही बता दें आपको सौराष्ट्र कच्छ के राजकोट में 36.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान मापा गया, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। अब न्यूनतम तापमान की स्थिति पर नजर डालते हैं। पंजाब में और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि रात के तापमान में बढ़ोतरी इन क्षेत्रों में दिख रही है। आगे बढ़ते हैं अब और बता दें आपको कि गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। और अब दक्षिण भारत में उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की बात कर लेते हैं, जहां पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। साथ ही तटीय कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति रही। और बता दें आपको कि मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि रात के तापमान में यहां पर बढ़ोतरी रही। इसके साथ ही मराठवाड़ा में भी बढ़ोतरी देखी गई है न्यूनतम तापमान में, सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान मराठवाड़ा में मापा गया है। आपको बता दें कि 11 डिग्री सेल्सियस दिल्ली रिज में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। तो जाना आपने कि मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहां पर देखा गया है और इसके साथ ही देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव इस वक्त दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और देश के अलग अलग शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहां पर तापमान की क्या स्थिति रही।
तो देश के सभी हिस्सों के तापमान का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और वायु की गुणवत्ता का हाल जानते हैं। जी आपके शहर की हवा कैसी है जानना बेहद ही जरूरी है और वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम ये जान पाते हैं कि हवा कैसी है, अच्छी खराब या संतोषजनक है। तो जानते हैं कुछ शहरों के वायु गुणवत्ता का हाल और इसके लिए आइए रुख करते हैं AI एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता बहुत खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 413 दर्ज किया गया। पुणे में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 113 दर्ज किया गया। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 126 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 141 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 316 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 285 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 104 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 91 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि इस अहम जानकारी के लिए। आइए अब बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और अब बारी है पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल जानने की। तो आइए नजर डाल लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। बताते हैं आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान जो पर्यटक स्थल है वहां पर आपको कैसा मौसम मिल सकता है अगर आप पर्यटक स्थल जाने का प्लान बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर साफ मौसम मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। साथ ही रविवार को 7 से -1 के बीच में तापमान रहेगा। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी सोमवार को आएगी। मंगलवार को फिर से 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी और 9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। साथ ही जो न्यूनतम तापमान है वो -1 से -2 के बीच यहां पर बना रहेगा और यहां पर धूप निकली रहेगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करें तो यहां पर भी साफ मौसम मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। रविवार से लेकर मंगलवार तक अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन बुधवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट देख रहे हैं। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 और 9 के बीच ये उतार चढ़ाव की स्थिति न्यूनतम तापमान में आपको मिल सकती है मनाली में। जी हाँ, तो हिमाचल प्रदेश के मनाली का हाल भी जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के भीमताल का रुख करते हैं। यहां पर भी साफ मौसम आपको मिलने जा रहा है। तापमान की बात करें तो रविवार को 20.4 से 5.7 के बीच तापमान रहेगा। कमोबेश ऐसी ही स्थिति अगले दिन सोमवार को भी हम देख रहे हैं। मंगलवार को थोड़ी और गिरावट आ रही है तापमान में 19.6 से 5.4 और साथ ही 19.2 से 5.3 बुधवार को तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि हल्की गिरावट आते हुए हम तापमान में देख रहे हैं। सिक्किम के गैंगटॉक की बात करें तो रविवार को हल्के बादल छाने के साथ ही बरसात के भी आसार बनते हुए दिख रहे हैं। 19 से 12 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। साथ ही सोमवार को तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में रहेगी और 20 से 11 के बीच तापमान रहेगा। 20 से 12 के बीच तापमान रहेगा मंगलवार को, जब हल्के बादल भी छाने के आसार हमें नजर आ रहे हैं, और बुधवार को 19 से 11, यानी कि 1 डिग्री का उतार चढ़ाव यहां पर लगातार तापमान में आ सकता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें तो यहां पर
हल्के बादल छाने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। चारों दिनों के दौरान इसी तरह का मौसम रहेगा। 11 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान अगले तीन दिन तक रहेगा और गिरावट बुधवार को देख रहे हैं, जहां पर 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तापमान। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान -2 डिग्री के आसपास लगातार बना रहेगा, उसमें उतार चढ़ाव नहीं है। अब आंध्र प्रदेश के तिरुपति की बात करते हैं तो यहाँ पर रविवार और सोमवार को हल्के बादल छाने के साथ ही थोड़ी बहुत बौछारें पड़ने के भी आसार बनते हुए दिख रहे हैं। 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, साथ ही 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। मंगलवार और बुधवार को हल्का कोहरा भी यहां पर छा सकता है और साथ ही 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान और 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, यानी कि गिरावट तापमान में आ सकता है। आप तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात कर लेते हैं, यहां पर भी बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है आने वाले दो दिनों के दौरान। 30 से 24 के बीच तापमान रहेगा जहां रविवार को, वहीं सोमवार को 31 से 25 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन मंगलवार और बुधवार को भी बरकरार रहेगा। लेकिन इसके साथ ही मंगलवार बुधवार को आपको बता दें वैसे तो खुला मौसम रहेगा, लेकिन हल्के बादल भी छाने के आसार बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अब जान लेते हैं केरल के कोट्टायम का हाल। तो यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है आने वाले चार दिनों के दौरान। और रविवार को 33 से 25 के बीच तापमान रहेगा, वहीं सोमवार को 34 से 23 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, मंगलवार को फिर से 25 से 23 और ये तापमान बरकरार रहेगा बुधवार को, यानी कि बीच में सोमवार को थोड़े बहुत उतार चढ़ाव की स्थितियाँ तापमान में बन सकती है। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट का हाल, जहां पर कोहरा छाने के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान अगले तीन दिनों तक बरकरार रहेगा। तो अगर बुधवार की बात की जाए तो अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट, 30 से 12 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान में आप देखिए कि उसमें धीरे धीरे गिरावट आते हुए हम देख रहे हैं, 14 से लेकर 12 तक तापमान जो है वो चला जाएगा, यानी कि 1-2 डिग्री करके गिरावट आती जाएगी। राजस्थान के माउंट आबू की आइए बात कर लेते हैं, जहां पर बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलेगा आने वाले चार दिनों के दौरान। 22 से 10 के बीच रहेगा तापमान रविवार को, 21 से 9 यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि 1 डिग्री की गिरावट आएगी तापमान में। फिर से मंगलवार को गिरावट के साथ ही 20 से 9 तापमान का हाल रहेगा, जो अगले दिन बुधवार को भी बरकरार रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान में थोड़े गिरावट के आसार बनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल आपने जान लिया आने वाले चार दिनों के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की बात करते हैं। तो जान लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में किसान जो है वो इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं ताकि उनको अच्छी पैदावार मिले, और इसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं AI एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान, मैं हूँ AI क्रिश और आज हम अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के किसान जल्द से जल्द धान की कटाई कर लें, इसके साथ ही यहां सरसों और मटर की बुवाई का काम पूरा करें। यहीं इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई करते रहें, जबकि आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों के किसान रबी मक्का, कैनोला और सरसों की बुवाई जारी रखें। इसके अलावा मौसम ठीक रहने पर तैयार धान की कटाई करें और कटाई के बाद उन खेतों में मटर और खेसारी की बुवाई जारी रखें। यहीं इस समय केले की फसल को रोगों से बचाएं। असम में निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में साली धान की कटाई करें, इसके साथ ही यहां कुत्तू की बुवाई का काम पूरा कर लें। निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही मटर और मसूर की बुवाई के अलावा आलू, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, बैंगन और टमाटर की रोपाई जारी रखें। वहीं ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके के किसान धान की कटाई से लगभग 15 से 20 दिन पहले धान के खेतों में मटर की सीधी बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहां इस महीने के दौरान बोरो धान की नर्सरी तैयार करें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही अभी बैंगन की रोपाई करें। बराक घाटी इलाके में आलू की रोपाई के अलावा कैनोला और सरसों की बुवाई करें। वहीं मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान की नर्सरी तैयार करें, जबकि साली धान की कटाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद।
धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। तो खास तौर से उत्तर भारत के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके लिए जाना आपने कि किन फसलों की कटाई कर लेनी चाहिए और कौन कौन सी फसलें इस वक्त बोई जा सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की जो कि है ब्रोकली, जिसे आम भाषा में कई जगहों पर लोग हरी गोभी भी कहते हैं। तो ब्रोकली के रोपाई के लिए ये बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है। इसकी व्यावसायिक मांग बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि स्वाद के साथ साथ पोषण के लिहाज से भी ब्रोकली बहुत ही उम्दा है और ऐसे में इसकी अच्छी खासी बाजार में मांग बनी रहती है। इसकी अच्छी उपज हासिल करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ब्रोकली फूल गोभी की ही एक किस्म है। आम गोभी का फूल जहां सफेद होता है वहीं इसके फूल का रंग हरा होता है, इस कारण इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती हैं और बाद में इनसे भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। इस समय कुछ जगह किसान खेतों में ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले अपने खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को पूरी तरह से निकाल कर साफ कर लें। एक हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो एक हेक्टेयर रकबे के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक इस्तेमाल करें। रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें, उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करनी चाहिए। सुंडी और हीरक पृष्ठ पतंगों की रोकथाम के लिए 2 मिलीलीटर स्पाइनोसेट दवा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फसल में बीमारी लगी हो या जहां कीटों का प्रकोप हो। रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायमेथिक्सॉम दवा की 2 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जी हाँ, तो किसान अगर वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर खेती करे तो उन्हें अच्छी पैदावार मिल सकती है, साथ ही नुकसान की आशंका भी कम हो जाती है। तो जाना आपने कि ब्रोकली की खेती आप किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से रोग व कीट है जिनका प्रकोप हो सकता है और इससे फसल को बचाया कैसे जाए, और ख़ासतौर पर अगर आप दवाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह ज़रूर लें क्योंकि उनकी सलाह के आधार पर ही जो रसायन है, जो खाद या उर्वरक है, कीटनाशक है, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल इसी के साथ आज के मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मौसम खबर से मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।